Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session, we will discuss about some of the very important MCQs regarding the chapter number 9 of class 11th, that is biomolecule. They are important from the need and aims point of view. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first question is which of the following are not polymeric? The correct answer to this question is option number D, that is lipid. The lipid are the important component of a cell membrane. It is a triglyceride of the fatty acid. It is not a polymeric chain of monomers. The nucleic acid are the polymeric chain of nucleotides, whereas the protein are the polymeric chain of amino acid where the amino acids are linked together by the peptide chain. The polysaccharides are the large molecules which are formed by the linkage of monomers, and hence the correct answer is option number D. यानी कि जो लिपिड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल मेमरेन का और ये फैटी एसिड का ट्राइग्लिसराइड होता है ये किसी भी मोनोमर की पॉलीमेरिक चेन से नहीं बनता है वहीं अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमेरिक चेन होती है अगर प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो ये अमाइनो एसिड्स की पॉलीमेरिक चेन होती है जहाँ पे जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड पे, चेन के थ्रू जुड़े होते हैं वही अगर हम पोलीसेकेराइट्स की बात करें तो ये बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मोनोमर्स के लिंकेज की वजह से बनते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द द रेफरेंस टू करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज होलो इंजाइम इज इक्वल्स टू एपो एनजाइम प्लस को फॉर्म ऑफ एंजाइम इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स कॉल्ड द एपो एंड कम्पोने अ को फैक्टर कैन ऑल्सो भी कॉल्ड इज द को एंजाइम इफ इट इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द एपो प्रोटीन इट्सल्फ इज इनएक्टिव ऑन द बाइंडिंग विद द को फैक्टर इट गेट एक्टिवेटेड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ होलो एनजाइम विच इज़ फंक्शनल दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो होलो एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म होती है किसी भी इंजाइम की ये दो कम्पोनेंट से बना होता है जो पहला कम्पोनेंट है वो है एपो एंजाइम और दूसरा है को एन्जाइम किसी भी फैक्टर को हम को एनजाइम बोल सकते हैं अगर वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो अब ये जो एपो प्रोटीन है ये खुद एनएक्टिव फॉर्म में होता है लेकिन जब ये को फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम हेलो uh, एनजाइम बोलते हैं और ये uh, ये एक फंक्शनल मॉलिक्यूल होता है एंड दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ द मैनी को आर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज वाइटामिन दसेंशियल केमिकल कम्पोनेट्स ऑफ द मैनी को एनजाइम्स आर द विटामिन एग्जाम्पल द को एनजाइम एन ए डी एन एन ए डी एच कंटेन्स द वाइटामिन नाइसिन यानी कि जो असेंशियल कम केमिकल कंपोनेंट होता है बहुत सारे को एनजाइम्स का वो वाइटामिन होता है फॉर एग्जाम्पल जो को एनजाइम एन ए डी और एन ए डी एच होता है उसके अंदर विटामिन नाइसिन नाम का जो विटामिन है वो प्रेजेंट होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A phosphoglyceride is always made up of. The correct answer to this question is option number C, that is, a saturated or unsaturated fatty acid is terrified to a glycerol molecule to which a phosphate group is always attached. The explanation to this question is the phosphoglycerides are the glycerol-based phospholipids. The alcohol here is in glycerol to which the two fatty acid, either saturated or unsaturated. The phosphoric acid आर attached as esters, दस द correct answer is option number C. यानी कि जो phosphoglycerides गिस्ट्राइड्स होते हैं वो glycerol-based phospholipids होते हैं इनके अंदर जो alcohol होती है वो glycerol होती है और इस glycerol के साथ दो फैटी एसिड अटैच होते हैं चाहे वो saturated हो चाहे वो unsaturated हो और इसके साथ साथ एक फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच होता है इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्स एंड दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी The next question is which of the following biomolecules does not have a phosphodiester bond The correct answer to this question is option number 8 that is nucleic acid in a nucleotide The DNA and the RNA are the chains of polynucleotide which are, which are joined by a phosphodiester bond The two nucleotide is linked by a phosphodiester bond it is formed by the linkage between the th 3 dash carbon atom of one sugar molecule and the 5 dash carbon atom of another एंड हंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो डीएनए और आरएनए की चेन होती है पोली न्यूक् न्यूक्लियोटाइड की वो ज्वाइन होती है आपस में फॉस्फोडाइस्ट्रा बॉन्ड की मदद से अब जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं वो फॉस्फोडाइस्ट्रो बॉन्ड की मदद से लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से और ये जो लिंकेज है ये नॉर्मली थ्री डैश कार्बन एटम एक शुगर मॉलिक्यूल की और फाइव डैश कार्बन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू लिंक्ड होते हैं एंड हंस दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए The next question is: The transition state structure of a substrate formed during an enzymatic reaction is. The correct answer to this question is option number C, that is transient and unstable. So during an enzymatic reaction, a substrate goes through a transition state before it becomes a product. It is proposed that the transition state is bound by more strongly than either the substrate or the product. And however, the transition state is inherently unstable and are transient. यानी कि जब भी कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है तो जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांजेक्शन स्टेट के थ्रू जाता है इससे पहले कि वो एक प्रोडक्ट बन सके और नॉर्मली ये बोला जाता है कि जो ट्रांजेक्शन स्टेट होती है वो बहुत टाइटली बाउंड होती है या तो सबस्ट्रेट के या फिर प्रोडक्ट के थ्रू एंड देयरफॉर जो ट्रांजेक्शन स्टेट है वो इन्हेरिटली अनस्टेबल होती है और ट्रांजिएंट भी होती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग द थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स the next question the correct answer to this question is option number b that is easter bone. the three dimensional folding of the protein refers to the bringing the amino acids that are located far apart in the polypeptide sequence together with the completely folding structure of a protein the different type of weak, and weak interactions hold the uh, uh, interacting segments together in the proteins the hydrophobic interaction h bond and the electrostatic interaction are the weak one and the stabilize the tertiary structure of proteins while the easter bond are the covalent bond and are least likely to be found therein and hence the correct answer is option number c that is easter bond yani ki, जो थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की उसके अंदर होता ही है कि जो अमाइनो एसिड हैं जो कि बहुत दूर दूर लोकेटेड होते हैं पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के अंदर उनको पास में लाया जाता है उनको टुगेदर होल्ड किया जाता है जो एक फोल्डिंग होती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की उसकी मदद से अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो वीक इंटरैक्शंस होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटीन के सेगमेंट्स को एक साथ होल्ड करने में मदद करवाती हैं जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है एच बॉन्ड है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ये बहुत ही वीक वन होती हैं और ये स्टेबिलाईज करवाती हैं टर्सरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का और वहीं जो ईस्टर बॉन्ड है वो एक टाइप का को कोवेलेंट बॉन्ड है और ये यहाँ पे नॉर्मली नहीं पाया जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन प्रोटीनेशियस इंजाइम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइबोजोम्स द राइबोजोम्स आर द आर एन एज दैट सर्वे इन इंजाइम्स

वहीं अगर राइबोसाइन की हम बात करें तो ये आर एन एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इनके पास होता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज वन ग्लेस्टरोल एंड थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज वन ग्लेस्ट्रोल मॉलिक्यूल एंड थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल अ फैट मॉलिक्यूल इज कंसोस्ड ऑफ टू पार्ट वन ग्लेस्ट्रोल बैकबोन एंड थ्री फैटी एसिड टेल द molecule इज अ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल groups, हाइड्रोक्सिल a fatty acid कंसिस्ट ऑफ a लार्ज हाइड्रोकार्बन chain attached टू a कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि जो फैट मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं एक होता है उसका ग्लिसरोल बैकबोन और तीन फैटी एसिड की टेल यहाँ पे होती है वही जो ग्लिसरोल है ये एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसके पास तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं

The cysteine is an alpha amino acid with the chemical formula of C3H7NO2S. It is a semi-essential amino acid, which means that it can be biosynthesized in the humans, and therefore the correct answer is option number D. Which one of the following statement is incorrect? The correct answer to the statement is option number A, that is, the presence of the competitive inhibitors decrease the Km of an enzyme for the substrate. This statement is incorrect as the competitive inhibition is a type of enzyme inhibition in which the inhibitors bind to the active site of an enzyme this prevent the binding of the substrate to the enzyme and hence affect the rate of breakdown of the enzyme substrate complex the competitive inhibitors bind reversibly to the active site of the enzyme to form an enzyme inhibitor complex this means that the maximum velocity that is Vmax max is unchanged वेल द केयम इज इंक्रीज एज द इनिबीटर इंटरफेयर्स विद द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दिस इनिबिशन कैन बी ओवरकम बाई इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन दिस द इनिबीटर मॉलिक्यूल इज नॉट अ केमिकली चेंज बाई द एनजाइम एंड हंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है ये कैसा टाइप का एंजाइम इनिबिशन है जिसके अंदर जो इनिबीटर है वो एक्टिव साइड जो होती है एनजाइम की उसके साथ बाइंड कर जाता है और इसकी वजह से ये प्रिवेंट हो जाती है जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है एंजाइम्स के साथ वो प्रिवेंट हो जाती है और अल्टीमेटली जो रेट ऑफ ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन का जो रेट होता है किसी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर वो भी अफेक्ट होता है अब ये जो कॉम्पिटेटिव इनिबीटर्स है ये रिवर्सिबली बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पर यानी जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसके साथ ही रिवर्सिबली बाइंड करेंगे और वहाँ पर एंजाइम इनिबीटर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है यानी कि जो वी मैक्स है वो अनचेंज रहेगी यानी कि चेंज नहीं होगी वहीं जो केएम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इनिबिटर uh, है वो इंटरफेयर कर, कर रहा है सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के साथ और इसी टाइप का जो इनिबिशन है इसको ओवरकम किया जा सकता है अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट The correct answer to this question is option number D, that is sucrose. A non-reducing sugar is a carbohydrate that is not oxidized by a weak oxidizing agent. An oxidizing agent that oxidizes the aldehyde but not alcohol, such as the Tollens reagent. In the basic aqueous solution, the characteristic property of a non-reducing sugar is that in the basic aqueous solution, they do not generate any product containing an aldehyde group. Example, the sucrose. विच कंटेन नीदर ए एसिटल ग्रुप और नॉर ए हेमी कैटल ग्रुप एनहंस इट इज स्टेबल इन वाटर कोई भी जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है एक वो कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होती है किसी भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू किसी भी बेसिक एक्वा सोल्यूशन के अंदर जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो कि एल को तो ऑक्सीडाइज़ कर देगा लेकिन एल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ नहीं कर पाएगा इसका एक एग्जाम्पल होता है टोल एंड री अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की वो ये है कि ये किसी भी बेसिक एक्वस मीडियम के अंदर ये कोई भी ऐसा कंपाउंड जनरेट नहीं करेगा जिसके पास एल ग्रुप प्रेजेंट होगा इसका एक एग्जाम्पल है सुक्रोज जिसके पास ना तो ये हेमीसेटल ग्रुप होता है ना ही इसके पास हैमिकेटल ग्रुप होता है और इसीलिए ये पानी के अंदर स्टेबल होती है एंड हंस दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी the next question is select the option which is not correct with respect to the enzyme action the correct answer to this question is option number d that is addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinate dehydrogenase by the melatonate. the, uh, the substrate bind with the enzyme at its active site A non-competitive inhibitors bind the enzyme at a site distinct from the active site and the site which binds to the substrate and hence, it does not have any effect on the substrate concentration. This type of inhibition can be, can't be reversed by the addition of more substrate. A competitive inhibitor binds to the enzyme at the active site and the site which binds to the substrate. This type of inhibition can be reversed by the addition of more substrate. For example, the malotinate is a competitive inhibitor of the succin succinic dehydrogenase.

वहीं कोई भी जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबीटर होता है वो बाइंड होता है एंजाइम के साथ किसी ऐसी साइट पे जो कि एक्टिव साइट ना हो यानी कि एक्टिव साइट से किसी दूसरी साइट पे बाइंड होगा और नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है कि इसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और ये जो इस टाइप का इनिबीशन होता है इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा सबस्ट्रेट को यहाँ ऐड करें तो वहीं अगर हम कॉम्पिटेटिव इनिबीटर की बात करें तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है और जो इस टाइप के रिएक्शन होती है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं इस टाइप के इनिबिशन को अगर हम ज़्यादा सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं तो अब इसका एक एग्जाम्पल है कि जो मेलोनेट होता है ये एक कॉम्पिटेटिव इनिबीटर है सक्सनिक डिहाइड्रोजेस का अब जो सक्सेनेट और जो मेलोनेट है ये दोनों बाइंड करते हैं एक ही सेम एक्टिव साइट पे जो एंजाइम है सक्सनिक डिहाइड्रोजेज उसकी एक्टिव साइट पे अब अगर हम बहुत ज़्यादा सक्सेनेट को ऐड कर देते हैं तो ये रिवर्स कर जाएगा सक्सनिक डिहाइड्रोजेनेस की इनिबिशन में मेलोनेट के थ्रू एंड हंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज को एन्जाइम द एनजाइम्स आर द प्रोटीन्स विच हेल्प टू कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन द एनजाइम्स आज द प्रोटीन पार्ट विच इज़ नॉट एक्टिव इज नोन एज दिनजाइम इट गेट एक्टिवेटेड बाई द एडिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक को फैक्टर

कि जो एंजाइम है ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करवाने में मदद करवाते हैं अब कोई भी एंजाइम का एक प्रोटीन पार्ट भी होता है जो कि एक्टिव नहीं होता है जिसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं ये नॉर्मली सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब यहाँ पे हम कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को को ऐड करें अगर हम होलो एंजाइम की बात करें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक एपो एंजाइम होता है जो कि कॉम्बिनेशन में होता है कोफैक्टर के साथ अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो ये किसी भी एंजाइम का नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है ये कोई मेटल आयन भी हो सकता है और ये कोई ऑर्गेनिक केमिकल भी हो सकता है जो कोफैक्टर है नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनको हम को एन्जाइम बोलते हैं ये नॉर्मली एपो एन्जाइम्स के साथ लूजली अरेंज होते हैं और जो टाइटली बाउंड को एनजाइम्स होते हैं इनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं हंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ को एनजाइम इज दी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए अर्गेनिक नॉन प्रोटीन एशियस ग्रुप विच इज असेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी अभी 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 ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने को एनजाइम के बारे में बात करी थी कि द को एनजाइम इज अ नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप दैट इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम यानी कि जो को फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे हम को एनजाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ को फैक्टर की बात कर रहे हैं तो जो को फैक्टर है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का ये कोई मेटल आयन भी हो सकता है कोई ऑर्गेनिक केमिकल भी हो सकता है अब वो को फैक्टर जिसके पास ऑर्गेनिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स दीज आर टाइटली अरे अटैच टू दी एपो एनजाइम्स और ये एपो एनजाइम्स के साथ बहुत टाइटली अरेंज होते हैं और जो टाइटली बाउंड को एनजाइम्स होते हैं इनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं एंड एनहंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल आयन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन एनजाइम इज The correct answer to this question is option number C, that is cofactor. The holoenzyme is defined as an apoenzyme in the combination with the cofactor. A cofactor is a non protein part of an enzyme. It can be a metal ion or an organic chemical. The cofactor, which are organic chemicals, are known as the coenzymes, which are loosely attached to the apoenzymes. The tightly bound coenzymes are called as the prosth prosthetic group, and hence the correct answer is option number C, cofactor. यानी कि पिछले हम तीन चार क्वेश्चन से यही चीज़ को डिस्कशन कर रहे हैं कि जो होलो एन्जाइम्स होते हैं ये एपो एन्जाइम्स प्लस कोफैक्टर्स होते हैं अगर हम को फैक्टर्स की बात करें तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किसी भी एंजाइम का ये कोई मेटल आयन भी हो सकता है ये कोई ऑर्गेनिक केमिकल भी हो सकता है अब वो कोफैक्टर जिसके पास कोई ऑर्गेनिक केमिकल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं को एनजाइम ये नॉर्मली बहुत लूजली अरेंज होते हैं एपो एनजाइम्स के साथ और अगर ये टाइटली बाउंड होंगे को एन्जाइम्स तो उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं the next question is the three of the following statement about the enzymes are correct and which and one of the following is wrong which one is wrong the correct answer to this question is option number c that is most enzymes are proteins but some are lipids the enzymes are the biochemical catalyst which catalyze the biological reaction with a narrow range of temperature and ph certain the thermophiles have the enzymes which remain functional even at the very high temperature मोस्ट ऑफ दी एनजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट अ वेरी फ्यू एनजाइम्स आर आर एन ए इन नेचर दे आर कॉल्ड इज द कैटेलिटिक आर एन ए और द राइबोजाइम्स यानी कि जो एनजाइम्स हैं ये बायोकेमिकल कैटेलिस्ट होते हैं जो कि कैटेलाइज करवाते हैं हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को किसी भी बहुत नैरो रेंज में चाहे वो पी एच हो चाहे वो टेम्परेचर की बात हो अब कुछ थर्मोफाइल्स ऐसे भी हैं जिनके पास ऐसे एनजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल रहते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अब मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं नेचर के अंदर लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आर भी हो सकते हैं नेचर में और ऐसों को हम बोलते हैं कैटालिटिक आर और राइबोजाइम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज अ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स वेन पीपल ईट अ फूड कंटेनिंग द कार्बोहाइड्रेट द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन द डाइजेस्टेबल वन इंटू द शुगर विच एंटर्स द ब्लड As the blood sugar level rises, the pancreas produce a insulin, a hormone that promotes the cell to absorb the blood sugar for the enzyme or the storage. As cell absorb the blood sugar, the level of the bloodstream begins to fall. When this happens, the pancreas start to make glucagon, a hormone that signals the liver to start releasing the steroid sugar, and this interplay of the insulin and glucagon ensures the cell throughout the body. <laughs> यानी कि जब कोई भी लोग अगर को कार्बोहाइड्रेट वाला कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल शुगर के अंदर जब वो हमारे शरीर में एंटर होती है अब जहाँ पे अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है जो पेनक्रियाज़ होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाती है अब हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि जो पेनक्रियाज़ है उसकी एल्फा और जो बीटा सेल्स हैं वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करवाती हैं एक तो जिनमें से होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागन तो जब भी हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है तो जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है और ये हमारे सेल्स के अंदर से जो ब्लड शुगर लेवल है उसको डिक्रीज करवाने लग जाता है और हंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉलेजन The collagen is the most abundant protein in the animal kingdom, and it accounts for the 30% of the total protein content of the human body, providing the strength, integrity, and the structure. Whereas the rubisco is a very important in the biology and the ecology because it catalyzes the primary reactions by which the organic carbon permanently enters the biosphere. The rubisco is a very important and is also abundant protein in the leaves and are the most abundant protein in the plant. यानी कि जो कॉलेजन है वो एक बहुत ही अबंडेंट प्रोटीन है किसी भी एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट है अबंडफेक्ट और ये नॉर्मली जो थर्टी परसेंट अकाउंट करता है टोटल प्रोटीन कंटेंट का जो कि इंसानों के अंदर प्रेजेंट होता है और ये नॉर्मली स्ट्रेंथ इंटीग्रिटी और स्ट्रक्चर के अंदर मदद करवाता है वहीं अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो जो रिबिस्को है वो एक more, बहुत ही या फिर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है जो कि लीव्स के अंदर पाया जाता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the uh, nitrogen base plus pentose sugar plus the phosphate group is the correct answer to this question is option number d that is nucleotide a nucleotide is an elementary unit of the nucleic acid they composed of nucleoside and a phosphate group a nucleoside is composed of a nitrogen base plus pentose sugar the pentose sugars are the ribose and the deoxyribose the nitrogen base are the purine and pyridine and hence the correct answer is option number d यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बिल्कुल एलिमेंट्री यूनिट होते हैं किसी भी न्यूक्लिक एसिड की और ये नॉर्मली जो न्यूक्लियोसाइड और जो फॉस्टफेट ग्रुप होते हैं उससे बने होते हैं अब अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के बारे में न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करें तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है वो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर के बने होते हैं एंड अल्टीमेटली जो न्यूक्लियोटाइड हुए वो नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस अ फॉस्टफेट ग्रुप हुए एंड हांस दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस्टो आर रिच एन The correct answer to this question is option number C that is lysine and arginine. The nucleosomes are the basic unit of the DNA packaging which consists of a segment of the DNA wrapped in a sequence around the eight histone protein core. The histones are the small alkaline protein which have a high amount of basic amino acid that are arginine and lysine and hence the correct answer is option number C. यानी कि जो न्यूक्लियोसॉम्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं डीएनए पैकेजिंग की और ये नॉर्मली इसके अंदर होता है कि इनके अंदर एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि एक रैप्ड होता है किसी भी एक सीक्वेंस में आठ हिस्टोन प्रोटीन कोर्स के अराउंड में अब ये जो हिस्टोन है ये छोटे छोटे एल्कालाइन प्रोटीनस होते हैं जिसके पास में हाई अमाउंट में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और जो की आर्जिनिन और लाइसिन एंड हंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन So these were some of the very important MCQs regarding this chapter that are important from the neat and aims point of view. So if you have liked our video then please do not forget to like share and subscribe our channel because your every subscription matters to us a lot. And also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.